दूसरी बार मिलके अच्छा लग रहा है कितने लोग क्लास में आ चुके हैं वो मैसेज कर दें मुझे जितने लोग क्लास में आ गए हैं मुझे मैसेज कर दें वीडियो को कृपया लाइक कर दें ना पढ़ाने वाले को लाइक करें या ना करें उसके वीडियो को तो लाइक कर ही दें कृपया अपनी अटेंडेंस लगा दें कमेंट सेक्शन में कौन कौन आ गया है मैसेज कर दें गुड इवनिंग विकास और गुड इवनिंग राखी गुड इवनिंग सिद्धार्थ गुड इवनिंग शिवानी खुशबू गुड इवनिंग खुशबू गुड इवनिंग भास्कर गुड इवनिंग तनस्का कल से एम की दो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी डिस्ट्रिक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी कल से तो एक तरफ एम की थ्योरी चलेगी और एम के एक एक करके पूरे 53 डिस्ट्रिक्ट चलेंगे ना तो कल से एक एक करके 10 संभाग हैं तो एक दिन में एक संभाग हो जाएगा तो आपके 10 दिन में एम के डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो जाएंगे यहाँ आपके देखो ये मैं उल्टा इस बार एम उल्टा शुरू किया जो सबसे बोरिंग पोर्शन है जो सबसे खराब पोर्शन है उसको मैं पहले शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये जो बोरिंग वाला है अगर ये याद हो गया और ये कल टेस्ट में भी आएगा कल टेस्ट है तो ये जो आज पढ़ाया वो कल जो पढ़ाऊंगा वो है ना कल मॉर्निंग में जो क्लास लूंगा वो भी आएगा कल मैं एम की क्लास मॉर्निंग में ले लूंगा है ना तो वो मिला के आपका टेस्ट में आएगा तो कल तैयार रहना जो तीन दिन में वो और एम की हिस्ट्री अपने मन से थोड़ा पढ़ लेना पुराने बच्चे गुड इवनिंग अनामिका गुड इवनिंग प्रगति गुड इवनिंग चलो अब हमें देखना है गुड इवनिंग गजन जी हमें देखना मध्य प्रदेश के साहित्यकार चलो सबसे पहला नाम आता है कालिदास का कालिदास कहाँ रहते थे तो कालिदास उज्जैन में गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ रहते थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के यहाँ रहते थे ये उनके दरबारी कवि थे इन्होंने दो बहुत बड़े नाटक लिखे दो महाकाव्य लिखे एक लिखा इन्होंने कुमारसंभव एक लिखा कुमार संभव जो शिव पार्वती विवाह पर आधारित है तो इन्होंने दो एपिक ग्रंथ लिखे हैं एक का नाम है कुमार संभव जो शिव पार्वती विवाह पर है और एक रघुवंश जो राम जी का पूरा वंश है गुड इवनिंग सोनिका गुड इवनिंग आकाश है ना उस पर तो कालिदास के दो महाकाव्य हैं एक कुमार संभव है और एक रघुवंश है तीन नाटक इन्होंने लिखा है एक मालविका और अग्निमित्र पे लिखा है एक विक्रम और उर्वशी की स्टोरी पे लिखा है और एक शकुंतला पे लिखा है इन्होंने तीन लव स्टोरी पर तीन नाटक लिखे मालविका और अग्निमित्र पे एक विक्रम उर्वशी पे दो और शकुंतला दुष्यंत पे तीन इसके अलावा इन्होंने दो छोटे छोटे से काव्य लिखे हैं लघु काव्य एक है ऋतु सिंहार दूसरा नोट्स में नहीं है अभी जो शाम को फिर से नोट्स डाल दूंगा उसमें लिखा होगा मेघदूत तो पहला क्वेश्चन कालिदास कहां रहते थे उज्जैन में दूसरा क्वेश्चन गुड इवनिंग सुमन पहला क्वेश्चन कहां रहते थे उज्जैन में दूसरा क्वेश्चन किसके दरबार में रहते थे तो ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे तीसरा इनकी रचनाएं कौन कौन सी थे दो महाकाव्य बहुत बड़े बड़े काव्य हैं तो शिव पार्वती का विवाह सबसे ज्यादा गुड इवनिंग राम सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई है वो से वो पार्वती के विवाह में हुई है पार्वती का पार्वती का पहले पुराना नाम था गिरजा गिरजा का मतलब क्या है गिरी प्लस अजा गिरी का मतलब होता है पहाड़ अजा का मतलब होता है पुत्री अज का मतलब पुत्र अजा मतलब पुत्री गुड इवनिंग दुर्गेश तो पहले पार्वती हिमालय की पुत्री थी और हिमालय ब्रह्मा के पुत्र थे उनकी पुत्री थी और हिमालय को बिल्कुल पसंद नहीं था शिव और पार्वती का रिलेशन तब ये पति पत्नी थे उस जन्म में तो उन्होंने हिमालय ने आई थिंक हिमालय पर्वत था उसी ये एक पर्वत था जिसकी बेटी थी तो उसने अपने यहाँ एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में अपने दामाद शंकर जी को नहीं बुलाया शंकर जी को बुरा नहीं लगा शंकर जी को लगा कि यार हमें तो पार्वती से मतलब है ससुराल से क्या लेना देना तो शंकर जी को बुरा नहीं लगा लेकिन जब पार्वती को पता चला कि सब रिश्तेदारों को बुलाया मेरे पति को नहीं बुलाया तो उन्होंने उस यज्ञ के हवन कुंड में कूद के अपनी जान दे दी तब ए, उस लाश को लेकर शिव जी ने तांडव शुरू किया अपनी तीसरी आंख शुरू कर दी है ना और वो तांडव मूर्ति चोल के समय बनाई गई थी कांसे से तो जैसी शिव जी को दो शिव जी को वैसे कोई बुरा नहीं लगता लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि पार्वती तो गई तो उन्होंने तांडव शुरू कर दिया तो शिव जी वैसे देखो बुलाया नहीं कोई बुरा नहीं लगा तो जैसी पार्वती की डेथ हो गई शिव जी उसकी डेड बॉडी को लेकर तांडव करने लगे ठीक है तो इसके बाद सब ने विष्णु जी से रिक्वेस्ट की कुछ उपाय निकालो तो विष्णु जी ने अपने चक्र से सती जी के शरीर के कई टुकड़े कर दिए उन्हें पता था जब तक ये शरीर रहेगा तब तक शंकर जी पगलाए रहेंगे तांडव करते रहेंगे दुनिया बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वो विनाशक है तो पार्वती के कई जगह पर टुकड़े रहे तो जहाँ जहाँ पर वो टुकड़े रहे वो सब सती स्थल कहलाए जैसे एक असम का कामख्या देवी मंदिर है तो कहीं हाथ कहीं नाक कहीं कान अलग अलग पूरे इंडिया में बॉडी पार्ट्स हैं उस सती के बाद में अगला जन्म लिया और गिरजा बनी पार्वती अगले जन्म में गिरजा बन गई पार्वती और पार्वती को तो पता था कि हमें तो शादी शिव से ही करना तो अगले जन्म में भी इन्होंने बोला कि हम शिव से ही करेंगे अब इनके जो पिता थे हाँ प्रजापति थे बिल्कुल सही बोले दुर्गेश प्रजापति थे तो जो पार्वती थे तो जो शंकर जी थे हाँ तो पार्वती के पापा को अगले जन्म में अगला जन्म जब पार्वती ने लिया तो इनके पापा को विष्णु जी बहुत पसंद थे विष्णु जी सुंदर थे अच्छा कैरियर होगा पीएससी में सिलेक्शन वलेक्शन हो गया होगा सेटल थे तो उनके पापा बोले कि हम तो विष्णु जी से शादी कराएंगे उस समय शंकर जी पहाड़ पे रहते थे भांग वांग हुक्का वुक्का पीते रहते थे तो किसी को ऐसा लड़का कैसे पसंद आएगा हाँ सुमन सही है सुमन किसी को ऐसा लड़का कैसे पसंद आएगा जो पहाड़ में रहता हो कैरियर वेरियर सेट ना हुआ हो दिन भर भांग पीता रहता होगा और दो चार नंदी वंदी जैसे दोस्त बनाए रखे होंगे इस गढ़े में साँप बाँप होगा ठीक है तो पार्वती को बहुत ज़्यादा जिद करनी पड़ी तब जाके शिव और पार्वती का विवाह हुआ क्यों पार्वती को याद था कि हम पिछले जन्म में शिव की ही पत्नी थे इसीलिए शिव इस पार्वती विवाह पर कुमार संभव ग्रंथ ये सब बातें कुमार संभव में लिखी थी ये बातें बहुत बड़ी है क्योंकि ये दो दो जन्म की कहानी है पहले जन्म में गिरजा थी अगले जन्म में पार्वती हुई बाद में शादी शिव से ही तो ये इनका कुमार संभव है तो कालिदास से आपके इतने क्वेश्चन आएंगे इन्हें कहते हैं भारत का शेक्सपियर इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं चलो ये याद हो गया है तो किसके दरबार में रहते थे कहाँ रहते थे इन्हें किसकी उपाधि दी जाती थी? कितने महाकाव्य कितने लघु काव्य कितने नाटक ये आपको याद करना है चलो अब आगे चलते हैं अब कालिदास के बाद चलते हैं भत्रहरि भत्रहरि देखो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे कालिदास और चंद्रगुप्त के बड़े भैया थे भत्रहरी ध्यान है वही भत्रहरी है जिनकी स्मृति में कौन सा गायन किया जाता है तो उज्जैन में भरथरी गायन किया जाता है भत्रहरी को वहाँ के लोकल के लोग भरथरी बोलते हुआ क्या था भत्रहरी चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे और उज्जैन के राजा थे इनकी कहानी भी बहुत फेमस है जब ये राजा थे तो उन्होंने किताब लिखी होगी राजनीति के ऊपर नीति शतक ये अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे और पत्नी इनकी बहुत सुंदर थी तो पत्नी पे लिखा श्रृंगार शतक अब हुआ क्या कि एक साधु आए और उन साधु ने राजा भत्तरहरी को राजा थे उस समय भत्तरहरी को एक सेब दिया और ये बोला कि जो भी इस सेब को खाएगा वो हमेशा युवा रहेगा भत्त जी को अपनी पत्नी से बहुत प्यार था तो उन्होंने कहा मैं मर जाऊं चाहे पर मेरी पत्नी हमेशा युवा ऐसी सुंदर रहनी चाहिए तो उन्होंने वो सेब अपनी पत्नी को दे दिया पत्नी का अफेयर चलता था सेनापति से है ना? ऐसी होती हैं पत्नियां, तो सेनापति से जब था तो उसको लगा कि यार मैं तो सेनापति को लाइक करती हूं और ये पूरे देश की रक्षा करता सेना का संचालन करके तो ऐसा करते ये सेब सेनापति को मिलना चाहिए और उस सेनापति का अफेयर था एक वैश्या से सेनापति को लगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड को सेब मिलना चाहिए और वैश्या को लगा कि हमारी ज़िंदगी कितने साल की है जब तक हम जवान हैं तब तक लोग हमारे पास आएंगे बाद में कोई हमारा डांस वांस देखने आएगा नहीं लेकिन हमारे राजा जी बहुत अच्छे हैं बहुत दानी हैं बहुत उदार हैं प्रजा का भला करते हैं तो ये सेब मिलना चाहिए राजा को तो वो वैस्या वो सेब लेके राजा के पास चली गई राजा ने पूछा तुम्हें तो कहाँ से मिला तो उसने बोला सेनापति ने दिया सेनापति से पूछा तो बोला रानी से मिला तो राजा इतने दुखी हो गए कि उन्होंने पूरा राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और वैराग्य धारण कर लिया साधु बन गए सन्यासी बन गए तो पहले ये राजा थे नीति शतक पत्नी से बहुत प्रेम करते थे श्रृंगार शतक और जब पत्नी ने धोखा दिया तो सब छोड़ छाड़ दिया तो बन लिख दी वैराग्य शतक तो भत्रहरि भी कहाँ के हैं उज्जैन के कालीदास भी उज्जैन की इन्होंने लिखी ये किताब तो दोनों कालीदास और भत्रहरि याद हो गया होगा अब चलते हैं भावभूति की ओर चलो तो यह है यशोवर्मन कन्नौज के राजा जो ओलिकर वंश के राजा हैं और इन्होंने ही भारत से या मालवा से हु को हराया था अगर किसी को याद हो तो ओली कर वंश के राजा थे यशो ये वही यशो है जिन्होंने को हराया था और इस यशो को कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्त पीढ़ ने हराया था ये कश्मीर के राजा थे तो ये ध्यान रखना जब तक कश्मीर के राजा ललितादित्य थे इन्होंने अरबों को पचासों बार हराया अरब बार बार अटैक करते थे ललिता दत्त बार बार हरा देते दे थे दे। लेकिन बाद में ये बूढ़े हो गए डेथ हो गए तो जब तक ललिता दत्त कश्मीर के राजा थे तब तक अरबों का कभी भारत में आक्रमण नहीं हुआ चलो तो ये सब पूरी कहानी है तो जो भावभूति है वो यशोवर्मन के दरबार में रहते थे जो कन्नौज के राजा थे और ये ओलिकर वंश के राजा थे जिन्होंने हुड़ को हराया और इनको हराया था ललिता दत्त ने भावभूति ने किताब लिखी एक लिखी मालती माधव एक भगवान राम के ऊपर लिखी महावीर चरित राम के जीवन राम ने कैसे शिक्षा ग्रहण की शिक्षा लेने के दौरान कैसे अहिल्या का उद्धार किया कैसे राक्षसों में जंगलों का नाश किया तो ये इनकी वीरता की कहानी है जिसको बोला गया महावीर चरित इसके बाद उत्तर रामचरित उत्तर रामचरित मतलब राम के अयोध्या लौटने के बाद का और उत्तर चरित में राम सीता को त्याग देते हैं ठीक है और सीता बाद में धरती में समा जाती है तो पहले के चाहे वो कालिदास हो चाहे कोई भी हो पहले कोई भी नाटक लिखता था तो ये था कि एंड सुखद होना चाहिए अंत होना चाहिए सुखद नायक और नायिका को मिलाना है चाहे वो मालविका अग्निमित्रम हो है ना चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो लेकिन भावभूति ने पहली बार ऐसा नाटक लिखा जिसका अंत था दुखद क्यों दुखद था क्योंकि सीता कभी राम से मिल ही नहीं पाई सीता पाताल में ही समा गई धरती पुत्री धरती में ही समा गई तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला दुखद नाटक किसने लिखा तो वो भावभूति ने लिखा भावभूति ने लिखा और नाटक का नाम है उत्तर रामचरित ये इंडिया का पहला दुखद नाटक है महावीर चरित किसके ऊपर है राम के ऊपर है आप लोगों को याद हो रहा तो मुझे मैसेज में लिख दीजिए कितने लोगों को याद होता जा रहा है साथ में कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें कल की क्लास याद नहीं हो पाई ये नृत्य गायन याद नहीं हो पाए है ना तो क्या आज की क्लास अच्छा कितने लोगों को कल की क्लास याद हो गई थी या घर पे जाके बाद में याद की कितने लोग हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितने लोक नृत्य लोक गायन लोक चित्र और कला याद हो चुकी हैं कितने लोग हैं मुझे बताएं कल की क्लास का कितने क्यों जब तक मुझे पता नहीं चलेगा है ना अगर लग रहा कि मेरे तरीका बदलेंगे उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है हर एक बच्चा जरूरी है चलो विकास हो गई थी चलो बहुत बढ़िया और कोई और किसी को याद नहीं हुआ विकास के अलावा किसी को याद नहीं हुआ है और किसी को एमपी के नाट्य लोक नृत्य लोक गायन लोक चित्र और शिल्प इतने सारे लोग याद हुए हैं लोक नृत्य नाट्य लोक गायन लोक चित्र और शिल्पकला ये पांचों चीजें याद हैं क्योंकि याद करना है भूलना नहीं है बीस जून के पहले भूलना नहीं है और बीस जून का नहीं होता तो आगे भी नहीं भूलना आकाश सोनिका राम गजेंद्र हो गई चलो बहुत अच्छी बात इसलिए सुनो इसलिए मैंने पीएससी इस बार एमपी बिल्कुल उल्टे तरीके से जो सबसे बोरिंग है वो पहले उठा रहे हैं ना चलो खुशबू याद हो गई सोचो ससुराल में रहकर अगर याद कर पा रहे हो तो सच में याद हो रही होगी चलो अगला है बाण भट्ट बाण भट्ट राजा हर्ष के दरबार में रहते थे ये कन्नौज के राजा थे हर्ष और ये हर्ष की ही तारीफ करते रहते थे हर्ष चरित इन्होंने ही लिखी कादंबरी तो बाण भट्ट से और कुछ याद नहीं करना ठीक है तो इन्हें बस इतना याद करना कि बाण भट्ट हर्ष के दरबार पर रहते थे तो हर्ष चरित इन्होंने किताब लिखी चलो अगले राइटर ये बाण भट्ट हो गए अगले राइटर है भूषण भूषण दो के ही फैन है एक शिवाजी महाराज के और एक राजा छत्रसाल के तो अगर आपको शिवाजी या छत्रसाल के नाम पे आए या भूषण के नाम पर आए तो समझ लेना वो किताब सब भूषण ने लिखी है या आपसे पूछा जाए भूषण किस रस में कविता लिखते थे तो वीर रस में कविता लिखते थे क्योंकि राजा छत्रसाल का भी मुगलों से लड़ाई हुई बंगस पठान याद हो और शिवाजी की भी मुगलों से बहुत लड़ाई होती थी औरंगजेब से अगला माखन लाल चतुर्वेदी इन्हें कहते हैं एक भारतीय आत्मा इन्हें कहते हैं एक भारतीय आत्मा इन्होंने देशभक्ति पर सबसे फेमस किताब लिखी थी पुष्प की अभिलाषा इस साइड लिखा होगा नहीं लिखा तो नोट्स में दे देंगे इनकी जो सबसे फेमस किताब है वो है पुष्प की अभिलाषा चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में बालों में गूथा जाऊं चाय नहीं मैं किसी भगवान के शीश नवाऊं है ना हे माली मुझे तोड़ के उस पथ पे देना फेंक जिस पथ पर मातृभूमि पर शीस चढ़ाए शीज चढ़ाने जाए वीर अनेक तो माका लाल चतुर्वेदी की किताबें आती हैं हिम किटनी हिम तरंगणी गूंजे धरा और पुष्प की अभिलाषा अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान इन्हें कहते हैं एक भारतीय आत्मा जो पॉइंट नहीं लिखे मैं लिख के रात में ग्रुप में फिर से डाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं है अगला सुभद्रा कुमारी चौहान ये सुभद्रा कुमारी चौहान ये असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला है सुभद्रा कुमारी चौहान सुभद्रा और इनके पति लक्ष्मण सिंह चौहान दोनों ने ही स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार भाग लिया तो सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह दोनों ने ही भाग लिया सुभद्रा कुमारी चौहान फेमस हुई थी झांसी की रानी कविता से झांसी की रानी सपने पढ़ी होगी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी अंग्रेजों हरबेलों के मुंह सुनी हमने एक कहानी थी इसके अलावा इनकी किताब है बिखरे मोती और वीरों का कैसा हो बसंत यह सुभद्रा कुमारी चौहान की किताब है अगले है गजानंद माधव मुक्ति बोध ये श्योपुर के हैं और श्योपुर में आपको पता है किसकी समस्या है कुपोषण की कौन सी जनजाति में सहारिया तो ये गजानंद माधव मुक्ति बोध श्योपुर में पैदा हुए तो श्योपुर में कुपोषण तो हुआ होगा और कुपोषण की वजह से इनका मुंह हो गया टेढ़ा तो गजानंद माधव मुक्ति बोध श्योपुर के थे श्योपुर में कुपोषण की समस्या थी तो कुपोषण की वजह से मुंह टेढ़ा हो गया तो अगर मुंह टेढ़ा आ जाए तो समझ लेना श्योपुर वाले कभी की रचना होगी स्योपर वाले ऑफेंड ना हो यह केवल याद करने की ट्रिक है ठीक है अगर कोई सा दिख जाए तो उसको मुरैना से कनेक्ट कर देंगे चलो अगला देखो अगला है बाल कृष्ण शर्मा नवीन अगला है बालकृष्ण शर्मा नवीन ये साजापुर के हैं और ये सांसद भी रह चुके हैं तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा कवि है जो राजनीति से भी संबंध रहा है तो वो बाल कृष्ण शर्मा नवीन है इनकी उर्मिला उर्मिला कौन है ये लक्ष्मण की पत्नी है ये है लक्ष्मण की पत्नी क्योंकि इनका मानना है बालकृष्ण शर्मा नवीन का कि हम महाभारत में सीता के त्याग की बहुत बात करते हैं कि सीता रावण के यहाँ रही अशोक वाटिका में फिर भी इतने सोने की लंका देख के उसका मन विचलित नहीं हुआ वो फिर भी राम राम कहती रही अपने पति के अलावा किसी का ध्यान नहीं दिया लेकिन कोई उर्मिला की बात नहीं करता उर्मिला तो 12 साल अपने पति से दूर रही सीता तो अपने पति के साथ थी तो उर्मिला के जीवन के बारे में कि लक्ष्मण की पत्नी कैसी थी उसका व्यवहार कितना था पतिव्रता थी तो उर्मिला के ऊपर लिखी इन्होंने किताब बालकृष्ण रमा नवीन ने अगला है भवानी प्रसाद मिश्र ये होशंगाबाद के हैं इन्होंने किताब लिखी है चकित ए है दुख ये भवानी प्रसाद मिश्र है अगला है हरी शंकर परसाई और ये व्यंग हैं है ये व्यंग करते हैं हाँ व्यंग और इन्होंने लिखी है भूत के पांव पीछे हंसते हैं रोते हैं रानी नी नाग फने की पानी तो ये व्यंग के रूप में लिखते हैं चलो अगला है शरद जोशी शरद जोशी ने भी लिखी व्यंग के रूप में जीप पर सवार इन ये जीप पर सवार इन मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ ये मेरी फेवरेट कहानी है उसमें हुआ था एक किसान के चने की फसल खराब हो गई थी तो कृषि विभाग के लोग सर्वे करने आए थे कि कितना नुकसान हुआ बाद में किसान से बोला चने का होरा हम लोगों के लिए जलाओ और बहुत सारे चने अपने गाड़ी में लेके आ गए लेके घर भी चले गए तो किसान ये सोच रहा था कि मेरी फसल बर्बाद किसने ज्यादा की इल्लियों ने या जीप में जो सरकारी कर्मचारी या सरकारी बाबू आए थे उन्होंने तो उन्होंने जो बाबू आए थे उनको इल्ली की उपाधि दी जैसे इल्ली चने की फसल को खा जाता है ऐसी सरकारी लोग भी किसानों की फसल खा जाते हैं तो उसी पर शरद जोशी ने लिखी ये उज्जैन के रहने वाले अगला है शिव मंगल सिंह सुमन इन्होंने प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया लिखी है। अगला है मुल्ला रमूजी। मुल्ला रमूजी से अगर क्वेश्चन आएगा तो गुलाबी उर्दू पर आएगा कोई उर्दू क्या टाइप होगा आपसे पूछा जाएगा कि गुलाबी उर्दू के आविष्कारक कौन है मुल्ला रमूजी है चलो ये हो गए मध्य प्रदेश के पूरे इतिहासकार किसको पूरे इतिहासकार याद हो गए हैं कालिदास उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दो बड़े बड़े काव्य एक शिव पार्वती का विवाह एक रघुवंश तीन नाटक और दो लघु काव्य ऋतु संघार और मेघदूत इसके बाद भत्रहरी ये विक्रमादित्य के भाई थे जब राजा थे तो नीति पत्नी पे मोहित थे तो श्रृंगार पत्नी ने धोखा दिया तो वैराग्य अगला भवभूति इन्होंने पहला दुखद नाटक लिखा उत्तर रामचरित राम की वीरता भी पे लिखा महावीर चरित हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाण भट्ट लिख दी हर्ष चरित इसके बाद भूषण शिवाजी और छत्रसाल के फैन थे उन दोनों पे किताबें लिखी माखालाल चतुर्वेदी को कहते भारतीय आत्मा क्योंकि ये भारत से बहुत प्यार करते थे इन्होंने पुष्पी की अभिलाषा हिम किरडनी हिम वगैरह लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान फेमस है झांसी वाली रानी से अगला है गजानंद माधव मुक्तिबोध बोध श्योपुर के थे मुंह टेढ़ा हो गया कुपोषण की वजह से बालकृष्णा नवीन सांसद भी थे इन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पे किताब लिखी थी बहुत फेमस है भवानी प्रसाद चके थे दुख अंधेरी कविता बुनी हुई रस्सी हरिशंग परसाए ये व्यंग थे तो भूत के पांव हंसते रोते इस टाइप के व्यंग शरद जोशी भी अच्छा व्यंग करते थे जीप पर सवार एक था गधा इस टाइप की रचनाएं की शिव मंगल सुमन प्रलय सर्जन और विश्वास बढ़ता गया तो यह है शिव मंगल सिंह सुमन सुमन तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए है ना प्रलय और विश्वास चलो मुल्ला रमू जी गुलाबी उर्दू तो मेरे ख्याल से ये याद हो गए होंगे कोई ऐसा है जिसको याद नहीं हुआ या याद नहीं होगा ऐसा कोई है नहीं वैसे सब पढ़ने वाले हो चलो अब हमें पढ़ना मध्य प्रदेश के चित्रकार तो सबसे पहले डीडी डी देव हैं इनका पूरा नाम देख के बता दूंगा देवधर कर के कुछ ऐसा देवधर लाली लालीकर ऐसा कुछ है ये सबसे बड़े पुराने चित्रकार सबसे पुराने चित्रकार हैं और इन्हीं को कहते हैं मध्य प्रदेश की चित्रकला के पिता फादर ऑफ इंडियन एमपी पेंटिंग इसे हैं कहते, इन्हें कहते हैं मध्य प्रदेश की चित्रकला के पिता डी देवलालीकर ठीक है इनके चेले थे चिंचालकर देवलाली करके के चेले थे चिंचालकर और चिलचालकर की जो फेमस पेंटिंग है वो लैंड ऑफ पोर्ट्रेट लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट इनकी सबसे जो अच्छी पेंटिंग मानी जाती है इसके बाद एन एस बेंद्रे एन एस बेंद्रे नारायण श्रीधर बेंद्रे ये भी चित्रकला है इसका सैयद हैदर राजा इन पे क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है कि ऐसा कौन सा चित्रकार है जो बाद में फ़्रांस की नागरिकता ले ली थी तो वो है सैयद हैदर रजा इसका सही आंसर होगा मंडला और अगर मंडला ऑप्शन में ना हो तो नरसिंहपुर लगाना है क्योंकि किताबों में नरसिंहपुर दे रहे हैं पर मैंने तो सब जगह देखा मंडला है किताबों में नरसिंहपुर ऐसा हो सकता है कि जब ये पैदा हुए थे तो जो गा गाय था वो गांव था ककैया ककैया गांव के तो वो ककैया गांव जब पैदा हुए थे तब तो मंडला में था इसलिए इनका हर जगह मंडला ही मिलता है हो सकता है अब नरसिंहपुर में आ गया तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं पर मैंने अभी भी जैसे सर्च किए ककैया गांव का है तो वो मंडला ही दे रहा है तो आपको अगर ऑप्शन मिले तो पहले मंडला चेक करना है अगर मंडला ना मिले तो नरसिंहपुर मिलना है इनकी पेंटिंग के नाम है अटल सुन्य अनसुनी आवाज़ और सफ़ेद फूल सैयद हैदर रजा से क्वेश्चन आएंगे कहाँ पैदा हुए किस देश की नागरिकता ली और कौन कौन सी इनकी पेंटिंग फेमस है अगला है एम एफ हुसैन ये माधुरी दीक्षित के बहुत दीवाने थे और इन्होंने माधुरी दीक्षित पे एक मूवी भी बनाई थी पेंटिंग भी बनाई मूवी भी बनाई गज गामिनी और इन्होंने कतर की नागरिकता ले ली थी तो सैयद हैदर रजा ने फ्रांस की नागरिकता ली और एम एफ हुसैन ने कतर की राजनीति वो नागरिकता ले ली अब हम मध्य प्रदेश के रंगकर्मी नाटक वाले जो नाटक थिएटर करते हैं उनका बाबा डी के इनका ओरिजिनल नाम है गंगाधर महादेव तो आपसे पूछा जाएगा बाबा डी के किससे संबंधित है ऑप्शन आएगा चित्रकला गायन नृत्य आंसर हो जाएगा रंगकर्मी या नाटक थिएटर वाले तो बाबा डी के बाबा डी के के अलावा हबीब तनवीर ये भी बहुत थिएटर करते थे नाटक करते थे इन्हें फ्रांस का ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार मिल चुका है और तीसरा है नरहरी पटेल तो बाबा डी के गंगाधर शक्तिमान वाला गंगाधर याद कर लेना तो जैसे गंगाधर सबके सामने बाबा बना रहता है वैसे वो शक्तिमान था ऐसे ही ये बाबा डी के नाम है गंगाधर तो गंगाधर दूसरे हैं हबीब तनवीर और तीसरे हैं नरहरी पटेल ठीक है ये हैं आपके नाटककार ठीक है अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के समारोह और उत्सव समारोह के पहले उत्सव देख लेते हैं पहले उत्सव सबसे पहला उत्सव है गढ़गौर तो गड़गौर में शिवजी और पार्वती की पूजा होती है पहला दूसरा मालवा में मनाया जाता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि गड़गौर कहाँ मनाया जाता है मालवा दो बार मनाया जाता है एक बार चैत के महीने भादो में तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या आएगा पहला क्वेश्चन गढ़गौर किस क्षेत्र में मनाया जाता है मालवा और दूसरा क्वेश्चन आएगा किन की पूजा की जाती है तो शिव पार्वती की पूजा की जाती है गड़गौर उत्सव में दूसरा है भाईदूज ये सबको पता है भाईदूज दो बार आता है दो बार एक तो दीपावली के दो दिन बाद आता है एक तो ये भाई दूज है और एक होली के बाद आता है वो भाईदूज है तो भाई दूज एमपी में दो बार मनाते हैं अब इसमें ऐसा है कि एक बार यमराज आए थे यमुना नदी के पास और यमुना नदी ने उनका टीका भी का भाई मान लिया था तो उन्हें गिफ्ट गिफ्टिफ्ट देना चाहा यमराज ने तो गिफ्ट लेने से मना कर दिया बस ये बोला कि अगर कोई बहन अपने भाई का भाई दूज को टीका कर लेती है तो उस दिन उसकी जान नहीं जानी चाहिए इतना मुझे वादा करो तो यमराज ने यह वादा किया यमुना नदी से कि जिस दिन भाई दूज का टीका किसी भाई को लग जाएगा तो मैं उसके प्राण उस दिन नहीं लूंगा ये अमराज ने बोला तो ये एक छोटी सी कहानी है भाई दूज से रिलेटेड दो बार मना हैं अगला है आखा तीज आखा तीज बोल दो या शुद्ध हिंदी में अक्षय तृतीया बोल दो तो अक्षय तृतीया वैसाख के महीने में होते हैं यही वो अक्षय तृतीया जब सोने की खरीदारी करनी पड़ती है और यही वो अक्षय तृतीया है जिसमें सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन ही बाल विवाह तो क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा त्यौहार है भारत में जो बाल विवाह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है तो बाल विवाह अक्षय तृतीया के दिन होते इस दिन राजस्थान में बहुत फोर्स लगती है फिर भी हजारों शादियां हो जाती हैं बाल विवाह और अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है अगला है संजा और मामूलिया एक ही बात है एक ही बात है ठीक है तो एक है संजा और एक है मामूलिया तो मालवा साइड बोलते हैं इसको संजा लड़कियां वगैरह इसको पत्ते वत्ते से सजाती हैं और इसी संजा को बुंदेलखंड में बोलते हैं मामुलिया है ना तो इसमें क्या करते हैं एक पुतली बनाकर उसको कपड़े अपड़े पहना के फिर उसकी पूजा करते हैं तो मालवा में बोलते हैं संजा और बुंदेलखंड में बोलते हैं मामुलिया चलो अगला त्योहार है नीरजा। तो नौ दिन तक ये चलता है दशहरे के पहले मतलब नौ दुर्गा में नौ दिन तक ये त्योहार चलता है नीरजा अगला है घड़ल्या तो कुछ लोग नीरजा मनाते हैं कुछ लोग घड़ल्ला मनाते हैं घड़ल् इसमें क्या है वो दीपक लेके दरवाजे पे जाती हैं और अनाज और पैसे इकट्ठे करती है तो ऐसा एक दीपक लेती है और उस दीपक को ले लेकर लड़कियां घर पे जाती घड़ा लेके जाती इसलिए इसका नाम है घड़ल्या तो नौ दिन जो व्रत रखती हैं वो नीरजा है और घड़ा लेकर जो घर घर मांगने जाती है वो घड़ल्या है अगला है सुवारा चलो सुवारा में देखो तो जिस तरह से मालवा में घड़ल्या मनाया जाता है घड़ा लेकर वैसे ही बुंदेलखंड में सुवारा मनाया जाता है तो इसमें लडकियां घड़े बड़े लेके जाती हैं शिव पार्वती की पूजा करती हैं तो एक ही बात है ठीक है घड़ल्ल्या और सुवारा। दशहरा के बारे में कुछ नहीं बताना बस दशहरा को पान खिलाया जाता है बुंदेलखंड में बुंदेलखंड में दशहरा के दिन पान सुपारी कई लोगों को पता होगा उस दिन पान सुपारी खिलाया जाता है अगला है काकसार ये भैया थोड़ा सा अनोखा है काकसार में क्या होता है जब तक इनकी फसलों में दाने नहीं आते तब तक स्त्री पुरुष एकांत एक में नहीं मिलते जब तक फसलों में नहीं आता तो इस त्योहार में क्या होता है जैसी फसलों में बालियां आ जाती हैं तो युवक युवतियां डांस करते करते एक दूसरे के गांव में चले जाते हैं है ना जैसे कोई लड़का है वो एक्स गांव का है और जैसे उसे पता चला बालियां आ गई तो वो अपने गर्लफ्रेंड के गांव में ढोलो लेके नाचने गाने लगता है तो काकसार इसे बोलते हैं काकसार उत्सव ठीक है अबूज माड़िया में ये ज्यादा मिलता है अगला है रतनवा तो रतनवा में कुछ नहीं है बहुत पहले बैगा जनजाति में बैगा ही होगा हाँ बैगा बहुत पहले बैगा जनजाति में मधुमक्खी ने इनके कोई पूर्वज उर्वज को काट लिया था तो उस दिन इन लोगों ने कसम खाई थी हम आपकी पूजा करेंगे तो उसी लिए उसको बोलते रतन तो ये मधुमक्खी से संबंधित है चलो अगला होली सबको पता रंगों का त्यौहार कोई दिक्कत नहीं है गोवर्धन पूजा सबको पता है गोबर से बनते हैं गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं लारू काज ये देख लो तो लारू काज गोंड मनाते हैं क्वेश्चन आता है लारू काज में किसकी बलि दी जाती है तो सुअर की बलि दी जाती है आपसे पूछा जाएगा अगला है हरेली या हरीरी ये बिल्कुल आसान है किसान जब अपने हरियाली मतलब खेत और खेत में काम आने वाले सभी चीजें जैसे ट्रैक्टर ट्यूबवेल पंप इन सब की पूजा करता है तो उसे बोलते हराली या हराली तो जब किसान अपने खेत मतलब हरियाली हल ट्रैक्टर इन सब की पूजा करता है तो उस त्यौहार को बोलते हैं हरियाली या हरीरी चलो अगला त्यौहार है भगोरिया ये सबको पता है ये भील का त्योहार है तो होली के आसपास झाबुआ अलीराजपुर में ये मेला लगता है इसमें लड़का को जो लड़की पसंद हो उस पर वो गुलाल फेंकता है अगर लड़की ने भी बदले में गुलाल फेंक दिया तो रिश्ता मंजूर है और चप्पल फेंक दी मतलब रिश्ता मंजूर नहीं है तो लड़का सब लड़कियों पे गुलाल फेंकेगा उसे जो पसंद आएगी बदले में उसे भी गुलाल मिल सकता है अगर लड़की खुद से लड़के से गुड़ और भांग मांग ले अगर लड़की खुद से गुड़ और भांग मांग ले तो मान लेते हैं, लड़की को ही वो पसंद है मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ठीक है आज इसको यहीं कंप्लीट कर देते हैं कल इसको एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे ठीक है आज इसको यहीं कंप्लीट करते हैं थैंक यू